रहा हूँ आपके साथ रेणु तिवारी। मैं इस समय दिल्ली के सीआर पार्क में हूँ, यानी कि चितरंजन पार्क में हूँ। और यहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, साथ ही बंगाली फूड के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिस पर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बंगाली खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। पीछे बहुत ही बड़ी प्रतिमा है माँ दुर्गा की, जिनकी सुबह और शाम आरती करके आराधना की जाती है और अच्छे से माँ की सेवा की जाती है। बहुत ही भव्य तरीके से ये आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि कोलकाता सबसे अच्छा माना जाता है दुर्गा पूजा के लिए, और दूसरे नंबर पर दिल्ली में सीआर पार्क में इस पूजा को भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं उनके लिए माँ दुर्गा पूजा के क्या मायने हैं। पर्व मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक है दुर्गा पूजा। इस उत्सव में शक्ति रूपा माँ भगवती की आराधना की जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में यह पर्व मनाया जाता है, परंतु पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। इस अवसर पर बड़े कलात्मक ढंग से सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश को जनमानस के सामने प्रस्तुत करने के लिए पूजा पंडालों का निर्माण किया जाता है। जो पंडाल अपने आप में अनोखा और अधिक आकर्षक होता है, उसे प्रशासन की ओर से पुरस्कृत भी किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज को सजग और जागरूक बनाया जाता है। दुर्गा पूजा को मनाए जाने की तिथियां हिंदू पारंपरिक पंचांग के अनुसार निर्धारित होती हैं। बात करें दुर्गा पूजा के मायने की, तो मान्यता है कि एक समय में राक्षस राज महिषासुर हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए उसने ब्रह्मदेव की ओर से तपस्या की थी, और इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और महिषासुर से वर मांगने को कहा। राक्षस राज ने अमरता का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बदले महिषासुर को स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्ति का वरदान दिया। दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस पूजा का आनंद उठाने के लिए, इस पूजा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस समय पंडाल में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके लिए दुर्गा पूजा के क्या मायने होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दुर्गा पूजा का आपके लिए क्या मायने हैं। एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर अस, एंड आई थिंक पूरा साल हम वेट करते हैं कब दुर्गा पूजा आए, क्योंकि हम लोगों में ये मान्यता होती है कि जो दुर्गा माँ है वो एक साल बाद और हर साल अपने बच्चों के साथ घूमने आती है, और इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। एक तरीके से हम सेलिब्रेट बहुत तरीके से करते हैं, उसमें हम लोग लाइक यू नो नए कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, खाना पीना होता है, गेट टुगेदर होता है, साल बाद हम सब फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स सब एक साथ आते हैं। और सियाह पार्क में एक तरीके से हम लोग मिस नहीं करते, कोलकाता में जैसे दुर्गा पूजा होता है, काफ़ी लोग मिस करते हैं कि कोलकाता को दुर्गा पूजा नहीं देखा। आई थिंक व्हेन यू आर इन सियाह पार्क यू डोंट मिस दैट प्लेस, क्योंकि कहीं हद तक यहाँ पर भी उसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से हम रिचुअल फॉलो करते हैं, सब गेट टुगेदर होता है, सब उसी तरीके से पूजा होती है। षष्ठी से पूजा स्टार्ट हो जाती है, पंचमी से कलश स्थापना हो जाती है, और फिर सप्तमी से हम इसी तरीके से अपनी अपनी छुट्टियाँ लेते हैं, घूमने जाते हैं। और जैसे मेरे आज यहाँ पे सारे फ्रेंड्स आए हैं, कुछ मेरे कलीग्स आए हैं, तो वो सब घूमने आए हैं, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर ऑल बंगालीज। यही एक रीज़न है कि दुर्गा पूजा हम लोग और अच्छे से इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पर हर तरीके से लोग अलग अलग जगह से भी आए होते हैं, अलग अलग रिलीजन से भी आते होते हैं। कुछ लोग नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्र के साथ साथ वो दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं, और उनके लिए काफ़ी क्यूरियस होता है कि क्यों होता है दुर्गा पूजा, क्यों सेलिब्रेट होता है, क्यों इतने लोग लाइक यू नो एक्साइटेड होते हैं अबाउट लाइक यू नो दिस पूजा, ये क्यों वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल क्यों माना जाता है। तो आई थिंक
ये एक रीज़न होता है कि लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, कल्चर को इंजॉय करते हैं। और इसी तरीके से ये पूजा इतने सालों से एक बहुत बड़ा मतलब माना जाता है कि हम लोग इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। दुर्गा पूजा एक ऐसा वक्त होता है पूरे फैमिली के लिए, जब हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। तो हमारा जो ये सेलिब्रेशन है वो एक महीने पहले से शुरू हो जाता है विद प्रॉपर, यू नो, हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, एक दूसरे के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद कई सारी हम स्वीट डिशेस बनाते हैं घर पर, एक दूसरे के घर पर जाते हैं। पंडाल्स हमारे लिए स्पेसिफिकली गेट टुगेदर का जगह होता है जहाँ पर पूरे परिवार के साथ हम सुबह शाम घूमने आते हैं, मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं। तो इस तरीके से हम जो दुर्गा पूजा हमारे लिए है डेफिनेटली एक आस्था का एक जरिया ज़रूर है। माँ से पूरे साल में एक बार मिलते हैं लोग 10 दिनों के लिए, पर उसके अलावा ये बहुत ही एक वो 10 दिन का वो 5-6 दिन का माहौल होता है जब हम लोग सारी यू नो ऑफिस वर्क और बाकी चिंताएँ भूल करके हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, फुली एंजॉयमेंट का माहौल रहता है। तो इस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए दुर्गा पूजा बेसिकली, मेरी मदर बंगाल से हैं तो मुझे पता है दुर्गा पूजा क्या, बट कभी मौका नहीं मिला ऐसे सेलिब्रेशन का। सो आज फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में सीआर पार्क में आई हूँ। सो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक अलग पॉजिटिव वाइब आता है दुर्गा पूजा पंडाल में आके, बहुत फेस्टिवल मोड में होता है। सो समटाइम ये भी लगता है कि आपको जो मांगना है आप मांग लो, मिल जाएगा, आपकी विशेस पूरी होंगी। इट्स अ गुड फीलिंग, वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक फेस्टिव मोड। सो दुर्गा पूजा इसलिए मनाते हैं, ये एक विजय पर्व है और इस पर्व में सिर्फ ये विजय के लिए नहीं है, सबको मेल मिलाप होता है, धरती छोटा हो जाता है। जैसे कलकत्ता से हम यहाँ आए मिलने, सब ये एक ही दिन यही होता है कि जो हम मेल मिलाप करते हैं। आप यही यहाँ नहीं रहते? नहीं, कलकत्ता भी रहते हैं हम। कलकत्ता में तो बहुत बड़ी पूजा होती है। पूजा दोनों जगह ही सेम लगभग ही है, लेकिन यहाँ की जो त्योहार है कलकत्ता से भी आगे निकल चुकी है और ये दूसरा कलकत्ता मना जाते हैं। अच्छा, ये मिनी कलकत्ता कहते हैं सीआर पार्क। हाँ, इसको मिनी कलकत्ता ही कहा जाता है। और ये ऐसे है, नौकरी के लिए हर कहीं दूर दूर जाते हैं, लेकिन इसी दिन एक जगह मिलने आते हैं सब। कैसे मनाते हैं आप लोग दुर्गा पूजा को, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं और जैसे ये भोग आरती होता है तब आते हैं और प्लस ये पुष्पांजलि देते हैं और इस तरह मनाते हैं। घर में बस हम 3 दिन तो अंजलि देते हैं, पूजा तैयार करते हैं, सब नया कपड़े पहनते हैं और बच्चों को भी खुशी रखते हैं, सबको खुशी, परिवार को एक दूसरे से कपड़ा बांटते देते हैं। पंडाल में क्यों आना होता है दुर्गा पूजा को? हाँ, दुर्गा ये पंडाल में ही आना पड़ता है, दुर्गा पूजा तो घर में इतना बड़ा पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा प्रतिमा होता है तो बाहर ही आना पड़ता है, मंदिर में आना पड़ता है। जो विसर्जन होता है तो यही डायरेक्ट इन्हीं पंडाल से होता है, घर पे मूर्ति स्थापित करने के बाद विसर्जन नहीं होता है? नहीं नहीं, ये दुर्गा पूजा ऐसे बाहर सब मिलके ही करते हैं, अकेले बंगालियों के लिए नहीं है, सारे मिलके करते हैं। यहाँ देखिएगा, पंजाबी भी है, मराठी भी है, बाहर से भी आते हैं, सब यहीं आते हैं। मतलब ये पूजा का मतलब है कि सबका मिलाप यहीं आके होते हैं। दुर्गा पूजा मतलब हमारे तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हम लोग को दुर्गा पूजा को तो सालों में एक बार ही आते हैं, हम लोग सारा यह मतलब पूरा यार ये आने के लिए तैयारी चलते हैं, जो कैसे करूँ हर तरह का, मतलब ऐसी क्रिएटिव कुछ हो या खाना कुछ ऐसी। जैसी पहला दिन तो पंचमी का दिन हम आनंद में लगाती हूँ, सब लोग खाना बना बना के यहाँ पे स्टॉल लगाती हूँ। हाँ, स्टॉल लगाती हूँ। सेकंड दिन कोई पूजा, सेकंड दिन से तो ऐसे गाना बजाना, कोई बच्चे को प्रोग्राम प्रोग्राम ऐसे चलाती हूँ। और सुबह तो पूजा पाठ तो होता ही रहते हैं, सप्तमी से तो पूजा स्टार्ट हो जाती है, अष्टमी का दिन से तो पूजा एकदम पूरा एकदम संधि पूजा होती है, अंजलि वंजलि वगैरह नवमी तक, दसवीं में तो खत्म होने वाला है विसर्जन, सिंदूर दान ऐसी वो लेके पूरा पैर मतलब फूल लगता। हम लोगों का बहुत ही अच्छा लगता है एक्चुअली। कलकत्ता का जो माने हम लोग कलकत्ता का टेस्ट लेने के लिए सीआर पार्क करते हैं। हम कलकत्ता की बेसिकली हम लोग कलकत्ता की होना तो कलकत्ता में या फिर तो देखो आना जैसे पूजा पंडाल के लिए तो हम लोग यहाँ पे रुकते, मतलब यहाँ पे रहती हूँ, प्रवासी हो गई है ना, तो
कलकत्ता को बहुत मिस करती हूँ, तो हम लोग नोएडा से आई हूँ। टेस्ट लेने के लिए हम लोग सीआर पार्क। सीआर पार्क को मिनी कोलकाता भी कहा जाता है नवरात्रि के दिनों। मिनी कोलकाता। क्या हो रहा है पीछे? एक ढाब आरती हो रही है। आरती हो रही है? इवनिंग आरती। अच्छा, कैमरा बोलूंगी कि आप पीछे दिखाइएगा दुर्गा पूजा की ये इवनिंग आरती हो रही है, शाम की आरती, माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है। इस तरह से माँ की आरती करके माँ दुर्गा को खुश किया जाता है, शाम की आराधना की जाती है। जनरली वी ऑब्वियसली ड्रेस अप करते हैं एंड देन कम टू सी द आई मीन माता का मूर्ति देखना है एंड पैंडल हॉपिंग एंड वी ईट अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यहां बंगाली फूड का and just chilling out with friends. It's the only time in the year that we can actually see all our friends, and in CR Park it's the only place in Delhi that we can enjoy the get the feel of Durga Puja, you know. So obviously it's the only option we have. Aap logo ke liye kya maayne hai Durga Puja ke? These 9 days they really mean a lot because 9 din alag alag deviyon ke avtar mein we celebrate this festival. Like I am from Gujarat, so there we celebrate Navratri, so we do garba and everything. So Durga Ma ka pandal is the first time for me, so we are coming here for the first time and we were really curious to see kisna celebrate karte, kaise karte. It's a good feeling overall. कहते हैं कि विजयदशमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध करके अच्छाई की जीत हुई थी, तो आज के समय में आप क्या संदेश देना चाहोगे? अगर आपके अकॉर्डिंग अच्छाई पर किस तरह से जीत हासिल होगी आज के समय में, कितना ज्यादा कुछ ना कुछ हो रहा है? Yeah, we just want to teach our child like positivity, like negativity इसके साथ जाए और पॉजिटिविटी आए, तो दैट इज द मेन लेसन वी आर गोइंग टू टीच आवर किड्स, दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग आवर किड्स विद अस। सीआर दास पार्क में किस तरह की व्यवस्था की गई है दुर्गा पूजा को लेकर, क्या क्या नया इंतजाम किया गया है? ये जो दुर्गा पूजा जो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे 4 दिन हम मनाते हैं। ये शुरू होता है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी जो होता है हमारा विसर्जन होता है, जिसको हम इमर्शन बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ये आइडल बनाते हैं दुर्गा माँ की, दुर्गा माँ का पूरा फैमिली जिसको बोलते हैं ना, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, उनका लड़का गणेश, कार्तिक सब आते हैं, इनका मूर्ति बना के हम लोग इसको पूजा करते हैं। ये यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, सुबह से प्रोग्राम चालू होता है, सुबह यहाँ पे आपका पूजा के बाद पुष्पांजलि होता है, उसके बाद ये भोग जिसको भंडारा बोलते हैं वो होता है, उसके बाद हमारा जो होता है दैट इज शाम को कल्चरल प्रोग्राम। तो कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे रात को 8 बजे शुरू हो जाता है, 12 बजे तक रहता है। तो दिल्ली में जो सीआर पार्क का दुर्गा पूजा है उसे मिनी कोलकाता का दुर्गा पूजा कहा जाता है, कहते हैं कि मिनी कोलकाता लगता है, इस तरह से व्यवस्था की जाती है। सीआर पार्क जो है ना, चित्रंजन पार्क, इसमें ज्यादातर आदमी बंगाली लोग ही है, तो यहाँ पे शिव मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है, तो इसमें होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पूजा होता है, जैसे कोऑपरेटिव है, देन बी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, मेला ग्राउंड है, इस तरह बहुत सारे और पूजा भी होता है, लेकिन ये पूजा थोड़ा लोग ज़्यादा मानते हैं कि नहीं, ये मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है। नया क्या हुआ है इस बार 2019 में जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है, इसमें नया क्या किया गया है? जो दुर्गा पूजा हो रहा है उतना ही दुर्गा पूजा है, उसके अलावा एडिशनल कोई दुर्गा पूजा चित्रंजन पार्क में नहीं हुआ। सराउंडिंग में मे भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ, जैसे गेटा कैलाश में हो सकता है, इधर आपका डीडीए फ्लैट्स में, लेकिन यहाँ पे जितना पूजा हो रहा है उतना ही पूजा हो रहा है। जो मैं बस ये जानना चाह रही थी, जैसे पंडालों में कई बार पॉलिटिकली चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कोलकाता में ये बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी ना, उस तरह से सजाया था पंडाल, तो इस सीआर पार्क में कुछ ऐसा किया गया है किसी थीम पर? सीआर पार्क में ऐसे थीम का पूजा बिल्कुल ही नहीं है, सारे आपको मिलेंगे जो पुराना आइडल होता था उसी बेसिस पे सारे पूजा हो रहा है। यहाँ पे ऐसे कोई थीम पूजा नहीं है जो कलकत्ता में बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो कुछ इस तरह से सीआर पार्क में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व कहा जाता है। इस दिन राक्षस महिषासुर को माँ दुर्गा द्वारा उनका वध किया गया था, और तब से लेकर आज तक इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की खास मान्यता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, जहाँ इसका भव्य तरह से आयोजन किया जाता है।